नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कार सेफ्टी मिशन को सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एक्सीडेंट की डिटेल आप हमारे इंस्टाग्राम पेज और ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। कई एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं जो हैरान कर देने वाले होते हैं। ऐसा ही एक एक्सीडेंट किया सेल्टोस का आज हमारे सामने आया है। हमने किया सेल्टोस के कई सारे एक्सीडेंट देखे हुए हैं, जिसमें किया सेल्टोस ने फ्रंट इंपैक्ट पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, पर इस एक्सीडेंट में किया सेल्टोस के दो टुकड़े ही हो जाते हैं, जिस पे आप भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। इस एक्सीडेंट की मिली जानकारी के अनुसार किया सेल्टोस बहुत ही हाई स्पीड पर रही होगी, जिसमें ड्राइवर का स्टेयरिंग पर से कंट्रोल खो जाता है और उसके बाद किया सेल्टोस जाके डिवाइडर से टकरा गई और मिली जानकारी के अनुसार वहां पे 3 लोगों की ऑन दी स्पॉट डेथ हो गई। फिर हमें सोशल मीडिया की मिली जानकारी के अनुसार कार सीधी डिवाइडर से टकरा गई होगी और जाके दो टुकड़े में बट गई। किया कंपनी को इस बारे में सोचना चाहिए कि 17-18 लाख की गाड़ी में सेफ्टी होना चाहिए। जब कस्टमर 17-18 लाख कार पर लगा रहा है तो उसे उस जैसी सेफ्टी भी मिलनी चाहिए। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है और आप इससे अवेयर हो रहे हो तो हमें ऐसे ही एक्सीडेंट से जुड़ी जानकारी को शेयर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।